नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज शाम को फिर से परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि महामारी को देखते हुए उसके सभी एग्जाम धीरे धीरे पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो आइए देखते हैं क्रम से। सबसे पहले तो यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो कि 24 अक्टूबर 2021 को इसके एग्जाम की डेट निर्धारित की गई है। और उसके मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखिए, आप 11th नंबर कॉलम में 28 जनवरी 2022 को उसके मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। इसी के साथ में कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म सबमिट किए होंगे, उसका एग्जाम जो है वो आपका 5 दिसंबर 2021 को, और उसके मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसका मुख्य परीक्षा होगा 10 अप्रैल 2022 को। इसी में से कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा किसकी, वो थी प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा, उन्होंने उसके फॉर्म सबमिट किए होंगे, वो 3 अप्रैल 2022 को उसका भी एग्जाम की तिथि निर्धारित की गई है। इस तरीके से आप सभी लोग इस पेज को देखिए और जिसका जो भी एग्जाम है वो सभी अपने एग्जाम के अनुसार अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, कमर कस लीजिए और अगली परीक्षा के लिए आप अपनी एक सीट निर्धारित कीजिए, निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। इसी के साथ मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप सभी को मालूम है कि एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन टीम वो मॉर्निंग में 11 बजे से साइंस और साथ में शाम को 6 बजे पॉलिटी और उसी के साथ में 7:30 बजे साइंस का क्विज सेशन स्टार्ट होता है और 8:30 बजे पॉलिटी का क्विज सेशन चलता है। तो इस तरीके से हमारी टीम जो है इस एग्जाम को देखते हुए, इस एग्जाम की तिथि को देखते हुए, डेट को देखते हुए सारे प्रोग्राम हम लोग निर्धारित कर चुके हैं और उसी के साथ में ही हमारा पूरा क्लास का शेड्यूल चलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे अपने क्लास शेड्यूल के समय। थैंक यू।